सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो रेटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस टाइप की गाइज वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन इस वीडियो के एडिटिंग के लिए मैंने जो भी मटल्स का यूज किया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक एक करके आपने सभी प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना है। तो गाइज, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली बीट मैप प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना होगा और एक आपको प्रीसेट मिल जाएगा, उसे इंपोर्ट कर लेना होगा। उन दोनों प्रोजेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बीटमैप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें ओनली आपको सॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, और गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि बीटमैप प्रोजेक्ट वगैरह कैसे इंपोर्ट करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, उस वीडियो को जाकर देख लेना। ओके, अभी हमने करना क्या गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो ये सॉन्ग डिलीट हो जाता है। कई बार हम ये इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट, तो जो प्लस पे क्लिक कर लेना, ऑडियो में आकर व्यू ऑल पे क्लिक करके सॉन्ग में आ जाइएगा, और यहाँ से गाइज जो सॉन्ग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा उसको डाउनलोड कर लेना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर प्लस में आएंगे, मीडिया के ऑप्शन में आके गाइस यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूँ, और यहाँ से एक ग्लोइंग वाला आपको लिरिक्स मिल जाएगा जो मैंने पहले क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का लिरिक्स सीखना चाहते हो कैसे बनाते, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड है, तो उन ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हो, नहीं तो मुझे कॉमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको कुछ इस तरीके का लिरिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखो इस लिरिक्स की जो ड्यूरेशन है ना, यहाँ तक है, ठीक है, 8.9 सेकेंड, पूरे 9 सेकेंड तक है, ठीक है। अब बस इधर आपने एक करके अपनी फोटोज को ऐड करना है, तो प्लस में क्लिक कर लेना, मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, और यहां से गाइस सिंपली मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूं। तो यार यहां पर जस्ट वेट, और गैलरी में आने के बाद में गाइस यहां पर हमने एक एक करके इमेज को ऐड कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक कर लेंगे और कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना है फोटो को, और यहां से गाइस जहां तक इसकी बीट मार के आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। गाइस एक चीज ध्यान रखना जी, जो जहां जहां पर आपको डबल बीट मार्क देखने को मिल रहा है, यहां पे इसमें आप कोशिश करना कि 9:16 की जो साइज की फोटो होता है ना, उसे आप ऐड करना, ठीक है। तो आपने उस साइज में फोटो को कैसे क्रॉप करना, लाइट मोशन के होम स्क्रीन पे आना, प्लस में क्लिक करके 9:16 की साइज को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना, फिर प्लस में आके मीडिया के ऑप्शन में आके जो आपकी फोटो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना, और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके फुल स्क्रीन करके सेंटर में फिक्स कर लीजिएगा। अभी शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके PNG को क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे सेव की ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना। कुछ इस तरीके से 7 से 8 फोटो को आपने क्रॉप कर लेना होगा 9:16 की साइज में। ओके, और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कर लेना, लेकिन कर लोगे तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने एक फ़ोटो क्रॉप किया है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इसकी ड्यूरेशन को हम फिर से यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। फिर प्लस में आएंगे, मीडिया के ऑप्शन में आके फिर से गाइज मैं अपनी गैलरी में आता हूँ, और यहाँ से गाइज फिर से हम जो नेक्स्ट वाली इमेज है उसको ऐड कर लेते हैं। मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा, सेंटर में फिक्स करके फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, जहाँ पर डबल बीट मार के फिर 9:16 की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से फोटोज़ को हम ऐड कर लेते हैं गाइज। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को ऐड कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आपने इमेज को ऐड कर लेना है। इमेज को ऐड करने के बाद में आपको एक प्रीसेट मिल जाएगा, उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। कुछ इस टाइप के प्रीसेट होगा, शेक इफेक्ट वाला, तो फर्स्ट देन यहाँ पर सेकंड, दो प्रीसेट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सेकंड वाले पर टैप, सॉरी फर्स्ट वाले को टैप कर लेना है, और यहाँ पर इफेक्ट में आकर 3 डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, और अपनी बीट मार्क प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो जहाँ जहाँ पर आपको डबल बीट मार्क देखने को मिलेगा ना, जो हमने 9:16 की फोटो को सेलेक्ट किया था, उस फोटो को टैप कर लीजिएगा, और इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। अब यहां पर अपने बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है, और स्ट्रोक की जो कलर है इसको क्लिक करके व्हाइट कर लेना है। अब नेक्स्ट वाली फिर से आपको क्लिक कर लेना, जहां पर डबल बीट मार के क्लिक करके इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना, बॉर्डर एंड शैडो में आकर इनेबल कर लीजिएगा, स्ट्रोक की कलर को व्हाइट कर लेना है। फिर से गाइस यहां पर क्लिक कर लीजिएगा, और यहां पर इफेक्ट में आकर 3 डॉट आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, बॉर्डर एंड शैडो में आके फिर से स्ट्रोक की कलर को यहां पर व्हाइट कर लेना है। सो गाइस कुछ इस तरीके से कुछ यहां पर आपने पेस्ट कर लेना होगा।
यहाँ पे एंड तक आपने कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पली के लिए समझा दिया, वीडियो के एंड तक आप कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ पर डबल बीट मार के वैसे कर लेना। जब इतना कर लोगे तो फिर बैक होकर शेक इफेक्ट में आएंगे। अब सेकंड नंबर का जो प्रीसेट मिलेगा इसको टैप कर लीजिएगा और इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। और यहाँ पर जहाँ पर अब हम एक एक फोटो छोड़ रखे हैं डबल बीट मार्क से पहले, उन फोटोज़ को टैप कर लेना, इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर भी टैप करेंगे, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। और फिर से गाइज यहाँ पर टैप करेंगे, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइज कुछ इस तरीके से इस वाले इफेक्ट को भी आपने वीडियो की एंड तक ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लोगे तो बैक होकर शेक इफेक्ट में आओगे तो ऊपर आपको 4 HDR प्रीसेट मिलेगा। चारों को एक एक करके सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट होगा। फिर प्लस में आकर कॉपी 4 लेयर करके यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर अपनी बीट मार्क में आएंगे, जहाँ से अपनी लिरिक्स खत्म होगी वहाँ पर आएंगे और प्लस में आकर पेस्ट 4 लेयर कर लेंगे अपनी इमेज पर। बस हमने इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइनली गाइस कुछ इस तरीके से वीडियो हमारी क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली शेयर पर क्लिक कर लेना, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को हमने गैलरी में सेव कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।